सिसकारी में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिसकारी को सिसकने की भी इजाजत नहीं, क्योंकि यहाँ उस वारदात को अंजाम दिया गया है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े उठते हैं। हम इस वक्त जिस मकान के सामने खड़े हैं, ये मकान है चापा भगत और उसकी पत्नी का। पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। किसने उतारा, किस वजह से उतारा, उनका कसूर क्या था, ये सारे सवालात अभी जांच के बक्से में बंद हैं। लेकिन यहाँ की खामोशियाँ बहुत ही दर्दनाक दास्तां बयां कर रही हैं। सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कि आखिर 3 बजे सुबह में शनिवार और रविवार के दरमियानी रात हुआ क्या था। ये वही रास्ता है जिससे होकर चापा की मौत गुजरी थी, और ये वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे को चापा की मौत ने खटखटाया था। इस दरवाजे को चापा और उनकी पत्नी ने खोला। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, नकाबपोश लोगों ने उन्हें पकड़ा, जकड़ा और जकड़ के लाठी डंडों से पीटकर गांव के चौराहे पर फेंक दिया। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे। इस घर के अंदर ही इस बिस्तर पर चापा और उसकी पत्नी सोए हुए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि अगर वो आज सोए हैं तो रविवार का सूरज देखेंगे या नहीं। इसी दरमियानी रात चापा की मौत ने इस दरवाजे पर दस्तक दी। कोई कुछ समझ नहीं सका। विडंबना यह है कि एक बुजुर्ग दंपति को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। जाहिर से बात है, वो चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे, लेकिन इस गांव में किसी ने किसी की आवाज़ नहीं सुनी। उन लोगों को नहीं देखा जिन लोगों ने एक ही गांव, या यूं कहें कि एक ही टोले के चार चार लोगों को बारी बारी से घर से बाहर निकालकर लाठी डंडों से पीट दिया, मौत के घाट उतार दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। कई तरह की बातें की जा रही हैं। फिलहाल चापा के परिवार वालों से बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, इन्हें कितनी जानकारी है। आप कौन है? बड़ी बहू है। क्या सुना आपने? क्या सुनेंगे हम, तो अचानक सुने काम करने जाएंगे बोल के घर थे, कपड़ा लत्ता धो रहे थे, बच्चा सबका कपड़ा लत्ता धोए, उसका बाद में अचानक दीदी फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, अचानक बात हुआ तो हम लोग पहुँच तब आए हैं। चापा और उनकी पत्नी के अलावा इस घर में कौन था कल रात में? दोनों बूढ़ा बूढ़ी था जी, बना खाता था, दोनों बाजार हाट कर रहा था, सार सब्जी बिक्री कर रहा था, ला के पका को खा रहा था दोनों। किसी से कोई दुश्मनी थी इनकी? दुश्मनी को तो नहीं जान पा रहे भैया, हम लोग उधर रहते हैं ना जी। इसीलिए आप क्या जानते हैं इस पूरी वारदात के बारे में, आपको कितना मालूम है, आप कौन है? हम चापा भगत का बेटा है, बड़ा बेटा। आप कहाँ थे कल? हम लोग भरनों में रहते हैं जी, तो वहाँ से हम लोग को किरण मला बड़ा ने फोन किया तो हम लोग को पता चला और आए करीब 11:30 बजे आसपास। आके देख रहे हैं तो घर में कोई नहीं है, सन्नाटा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि डायन बिसाही करते थे चापा भगत, भगती करते थे, जो गांव के लिए नुकसान दे था। क्या लगता है, ये वजह हो सकती है क्या उनकी? नहीं, गलती है, गलत बात है, वैसा तो नहीं होता है। यानी अपना परिवार स्वस्थ के लिए वो भगती करता था, और कहीं गांव में कोई दुख सुख होता था तो झाड़ फूक करवाता था। तो गांव वाले क्या कभी इसके लिए उन्हें रोके थे, गांव वाले ने कभी रोका टोका था? नहीं, गांव वाला तो नहीं रोका है, इसको तो मालूम नहीं है, हम लोग नहीं जान रहे हैं, हम लोग उधर रहते हैं ना बाहर में। तो आपके माता पिता की हत्या हो गई, तो आप केस तो दर्ज कराएंगे, किसके खिलाफ कराएंगे? ये तो अभी नहीं करा सकते हैं भाई, थोड़ा जानेंगे सोचेंगे उसके बाद में, इसको तो कार्रवाई करना जरूरी है। जानेंगे सोचेंगे, और यही जानने सोचने में पुलिस भी लगी हुई है, मीडिया कर्मी भी लगे हुए हैं, सामाजिक संगठन भी लगे हुए हैं, जो इस वक्त सिसकारी के चौराहे पर डेरा डाले हुए हैं, इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए डेरा डाले हुए हैं कि 2019 से गुजर रहा है झारखंड, यानी कि अपने जन्म के 19 साल बाद भी उसी रूढ़िवादी तलवार की नोक पर खड़ा है जिसकी वजह से ये पिछड़ा था। सिसकारी में जागरूकता की रोशनी नहीं पहुंची, भौतिक रोशनी पहुंच चुकी है, डिजिटलाइज लोग हो चुके हैं, कईयों के हाथ में मोबाइल फोन्स भी दिखे,
लेकिन जागरूकता की रोशनी अब तक नहीं पहुंच पाई है। कैमरा पर्सन शशि प्रताप के साथ अनूप सोनू, एबी न्यूज, सिस्कारी।